दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज संडे का दिन है और शाम के 7 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट बात कर लीजिए ड्राइवर भाइयों के साथ। जैसा कि ड्राइवर भाई जानते हैं, जो भी ड्राइवर भाई ओला उबर में गाड़ी चला रहे हैं, मोस्टली उबर में चला रहे हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि इनबॉक्स में आजकल हमें उबर की तरफ से एक मैसेज आ रहा है जिसमें उबर हमें बोल रहा है कि 15% फेयर उसने इंक्रीज कर दिया है। खुशखबरी ड्राइवर भाइयों के लिए, ऐसे करके मैसेज आता है जिसमें 15% फेयर इंक्रीजिंग की बात होती है। तो दोस्तों मैं यही आप लोगों से भी पूछने जा रहा हूँ कि आप लोगों का क्या फेयर इंक्रीज हुआ है, या मेरा तो हुआ नहीं है एक्चुअल में। मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में स्क्रीनशॉट मैंने दिए, ये परसों की मेरी ट्रिप है और इसमें परसों की सॉरी कल की ये ट्रिप है मेरी, और इसमें मैंने मतलब 19 किलोमीटर गाड़ी चली है जिसमें कस्टमर का जो फेयर मुझे मिला है कैश में 143 रुपीज कैश है, और जो मुझे कस्टमर का बिल मिला था वो 164.70 पैसा, मतलब 165 रुपये मुझे 19 किलोमीटर में मिले हैं। तो आपको सोचिए दोस्तों, ये 19 किलोमीटर के अगर हम 10 किलोमीटर के हिसाब से, क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं 10 रुपये के हिसाब से उबर हमें फेयर देता है नॉर्मली, चाहे वो नॉर्मल राइड हो, ठीक है, लो डिमांड का सिस्टम खत्म हो गया, लो डिमांड बटन हट चुका है, तो नॉर्मली ये हमें 10 रुपए किलोमीटर से राइड देता था। तो 190 की जगह अगर ये 15% फेयर बढ़ाएगा तो हमारा अमाउंट 225 के लगभग का समथिंग होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये जो इंक्रीजिंग की बात करी जाती है ऊपर की तरफ से, वो इंक्रीज फेयर नहीं हुआ है हमारा, ठीक है, इट मीन्स ये माइनस में ही है, डिक्रीज हुआ है ये फेयर। तो उबर किस हिसाब से दे रहा है ये चीज मुझे तो समझ में नहीं आया। किसी भी अगर भाई की नॉलेज में है तो कमेंट जरूर करके बताना कि आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है कि नहीं, क्योंकि मेरा तो बेसिकली नहीं हुआ है। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि क्या है कि पहले ये ड्राइवर भाई को बहुत मतलब लालच दिया करते थे कंपनी वाले, इंसेंटिव वगैरह देते थे, वो सारी चीजें उन्होंने बंद कर दी है, और बार बार ये जो फेयर का मैसेज आता है वो इसीलिए शो करते हैं कि जिस हिसाब से सीएनजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ड्राइवर भाई कोई स्ट्राइक की तरफ ना मतलब वो करें, तो इसलिए वो जानबूझ के एक पैक मैसेज समझ लो, एक तरीके बढ़ाया कुछ नहीं जाता, बट इंक्रीजिंग का मैसेज एक दिया जाता है कि 15% आपका फेयर इंक्रीज हो गया है। तो दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा था कि मतलब फेयर कभी इंक्रीज नहीं हुआ है, और आप प्रूफ विद देख सकते हो यहाँ पर मेरा, क्योंकि अगर फेयर इंक्रीज होता तो ये 164 की जगह आपका 230 रुपए तक का फेयर बनता। तो ये एक छोटा सा अपडेट देना था मुझे, और ये आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे, टिल देन बाय।